साहब का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हमारे भाई बहन ऑनरेबल कारपोरेटर हो जिन्होंने खुलकर हमारा समर्थन किया है, या जो किसी कारणवश राजनीतिक मजबूरियों के चलते हमारा समर्थन नहीं भी कर सके, हम उन सबको भी साथ लेके चलेंगे। क्योंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब हमारे हैं। राजनीतिक आपस में प्रतिद्वंदिता आज तक थी, जब तक चुनावों के रिजल्ट निकलते, और जब रिजल्ट निकल गया तो मेयर और डिप्टी मेयर सबके हैं, सब मिलकर काम करेंगे और जम्मू की भलाई और जम्मू के विकास के लिए दिन रात एक करेंगे, ये मैं जम्मू की जनता को पूरा विश्वास दिलाता। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं मिठाई अभी खिलाई जा रही है और ये खुशी का माहौल। अभी फिलहाल असीबा तस्वीरें हम आपको डिप्टी मेयर जी के कमरे में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी फिलहाल भी हम बातचीत जरूर, ये सेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक श्री राजिंदर जी मेयर और हमारे डिप्टी मेयर बलदेव बलोरिया साहब के साथ हम पार्टी कार्यालय में चलेंगे। वहाँ एक बड़ा जश्न पार्टी ने रखा है, धूमधाम से पार्टी कार्यालय में भी ये जश्न आज ही मनाया जाएगा। धन्यवाद जिन्होंने मुझे डिप्टी मेयर के पद के लिए नामिनेट किया था। आज हमारी इलेक्शन हुई है, उसमें भी हम भारी मतों से जीते हैं, मेयर भी और डिप्टी मेयर भी। हमारा पूरा प्रयास है, हम मिलजुल के काम करेंगे और जम्मू के लिए सभी हमारा की लक्ष्य होगा कि जम्मू कैसे आगे बढ़े, जम्मू का विकास कैसे हो, पूरा प्रयास करेंगे। देख सकते हैं तो नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं और इस वक्त जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जश्न का माहौल। रविंदर राणा जी यहाँ पर पहुंचे हैं और आज जम्मू को जम्मू के नए मेयर राजेंद्र शर्मा और डिप्टी मेयर रविंदर राणा जी क्या कहना चाहेंगे आज जम्मू को नए मेयर और डिप्टी मेयर चुने बीजेपी की बल्ले बल्ले। बाकी सर वो तुसे पता ही है सर, उन्होंने बाद अगली विधानसभा जबरदस्त मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है। और जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इसी प्रकार आने वाले असेंबली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जबरदस्त जीत के साथ यहां सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगली बार बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं आते। देखिए प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई है, जबरदस्त जीत, जबरदस्त जीत। थैंक यू जनता पार्टी ने जम्मू मेयर के और डिप्टी मेयर के चुनाव बद्री विशाल का बद्री विशाल की जश्न का माहौल इस समय चलते हुए उन्हें इस खुशी पर एक गाना भी होता असं डोगरे जाओ। चलिए आने वाले वक्त में आप लोग आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। जबरदस्त जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, सबका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। आने वाले शाबाश, बड़ी बड़ी बधाई है सबको। जबरदस्त जबरदस्त जीत हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। उसे सारे का शुक्रिया, सारे भेड़ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जश्न का माहौल। और रविंदर राणा जी यहां पर पहुंचे हैं और आज
जम्मू शहर के लोगों को नए मेयर और डिप्टी मेयर जो वो मिले हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर से आपको ये लाइव तस्वीरें यहाँ पर मिठाइयां यहाँ पर बांटते, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई हो, बीजेपी की जीत हुई है जम्मू में, हम बहुत खुश हैं। रविंद्र रैना साहब की मेहरबानी है, रविंद्र रैना जी ने जो डिसीजन लिया था वो अब सीएम किसको? सीएम भी जम्मू का ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा। रविंद्र रैना जैसा जम्मू का सीएम हो, ये मांग है रविंदर रैना के जैसा हो। उन्होंने कहा जैसा हो, उन्होंने नहीं कहा रविंदर रैना हो। नारा लगा है हमारा सीएम कैसा हो, रविंदर रैना के जैसा हो। उन्होंने नहीं कहा रविंदर रैना हो, रविंदर रैना हो, उन्होंने कहा रविंदर रैना के जैसा हो। पहले आप अपना नारा बताएं क्या हमारा नारा था, रविंद्र रैना जैसा हो, जैसा हो ना, वही ना हो, सीएम रविंद्र रैना होना चाहिए। अब क्या कहेंगे? चलिए अभी फिलहाल, अभी फिलहाल जम्मू मेयर और डिप्टी मेयर की चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त जीत हुई है उसकी खुशी में आज पूरे जम्मू में जबरदस्त जश्न है। प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 59 में से 57 वोट मिले हैं। वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में श्री बलदेव सिंह बलोरिया साहब को भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है और उनको भी जो है 56 वोट मिले हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं उनमें कितना विश्वास है। और हम विश्वास दिलाते हैं सभी ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या जो भारी संख्या में इंडिपेंडेंट जो कॉरपोरेटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया है, हम उन सब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं जो बाकी के कॉरपोरेटर्स हैं जो अपनी पार्टी के विप के चलते बीजेपी को वोट नहीं भी कर पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और उनको भी विश्वास दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस ने बायकॉट किया है इसे, कांग्रेस हम सब देखिए किसने क्या किया है, किस पार्टी का क्या एजेंडा है, वो उस पार्टी के नेता बताएंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत हासिल की है। मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का और डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और प्रचंड बहुमत के साथ बने हैं। ये जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स हैं, कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले असेंबली चुनावों में भी आपको नजर आएंगे जब प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला आने वाला मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो जम्मू का होगा। जश्न का माहौल और मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही है जिस तरह से आज जम्मू के लोगों को नया मेयर और डिप्टी मेयर का वो मिला है। जम्मू को अब जो है वो नया मेयर और डिप्टी मेयर मिला है और
करना चाहता हूँ, कारण हमें वोट नहीं दे पाए, वो चले गए, लेकिन सबका धन्यवाद। मैं डिप्टी मेयर हूँ, हम सबको साथ लेके काम करेंगे, सभी कारपोरेटर को साथ लेके काम करेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत हल किए जाएंगे। फिलहाल आपने सब लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।